हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैगी मसाला पैनकेक। मैगी तो सबको बहुत अच्छी लगती है, तो चलिए आज इसके पैनकेक बनाते हैं, मसाला मैगी पैनकेक। इसके लिए हमें चाहिए ये सब इंग्रेडिएंट्स। चलिए पहले पानी बॉईल कर देंगे, मैगी को डाल के अभी पहले बॉईल कर देंगे अच्छे से। मैगी को हम अच्छे से अब घुमा देते हैं, इसे अच्छे से ऐसे कुक होने दें। इसमें 2 स्पून ऑयल डाल दें ताकि मैगी चिपके ना, और फिर मिक्स कर दें। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है। ये मैंने मैगी में से पूरा पानी निकाल दिया है। आप चाहें तो इसे कट ना करें, पर मैं इसे कट करके डाल रही हूँ, मैगी के छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। थोड़ा सा ही चॉप कट करेंगे इसको। चलिए अब पैनकेक का बैटर बना देते हैं। ये मैंने ऑल पर्पस फ्लोर डाला है, उसमें पानी पहले डाल रही हूँ मैं, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मेरे पास तो डो मेकर है, आप हाथ से ही बैटर बना सकते हैं। ये मैंने कैरेट डाली है इसमें, अच्छे से दोनों को मिक्स करेंगे, ऑल पर्पस फ्लोर को और कैरेट को। अब मैं इसमें मैगी का मसाला जो टेस्ट मेकर है वो डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब मैं इसमें मैगी ऐड कर रही हूँ। अब इसे एक बार और मिक्स करेंगे। थोड़ा और पानी ऐड कर लेंगे ताकि इसमें कंसिस्टेंसी आ जाए। इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए बैटर कैसे रेडी हो गया पूरा अच्छे से। इसे पूरा मिक्स करके फिर हम बनाना शुरू करेंगे। ये मिक्स हो चुका है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये मैंने पैन को गरम करने के लिए रख दिया है, इसमें ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो घी या बटर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, पैनकेक बनाने रखेंगे। देखिए आप इस तरह से डालें। थोड़ी सी स्पेस दें बीच में। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैंने इसमें कैरेट और कोरिएंडर लीव्स यूज किए हैं, आप चाहें तो मिक्स वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। थोड़ा ऑयल यूज कर रही हूँ ऊपर भी।
ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हम इसे दोनों तरफ से पकाएंगे। तो पहले एक तरफ से अच्छे से पकने दें। ये देखिए हमारा एक तरफ से पक चुका है। अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ। आराम से टर्न करें। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया इसका। हम दोनों तरफ से इसी तरह से पकाएंगे अच्छे से। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, अच्छे लगते हैं बहुत। आप इसे बनाइएगा ज़रूर। मेरे बच्चों को तो ये बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपके बच्चों को भी बहुत अच्छे लगेगा ये। आप इसे बना के नीचे कमेंट कीजिएगा कैसे बने। देखिए ये रेडी हो चुका है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।